दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। देखिए स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई का मामला काफी ज्यादा गर्मा गया है। अभी आप निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे जिनकी तरफ से यह साफ कहा गया कि आम आदमी पार्टी बेशर्मी पर उतर आई है। वो विभव कुमार 13 तारीख का पूरा मामला है जब मारपिटाई का मामला सामने आया, लेकिन कल यानी कि कल की तारीख में क्या हुआ था, 16 तारीख को यह कहा गया लखनऊ में बाकायदा अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ विभव कुमार नजर आते, रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है वो उनकी तरफ से कई बातें कही गई। ये तक कहा गया अगर जरूरत पड़ी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी इंक्वायरी की जाएगी इस पूरे मामले में, और अरविंद केजरीवाल ने ये तय कर लिया है कि वो किस साइड है, यानी विभव कुमार को लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है। मामला बहुत गर्माता हुआ नजर आ रहा है स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई का, एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं? देखिए जिस तरीके से स्वाति मालीवाल जी के साथ जो बदतमीजी हुई है, जो हाथापाई हुई है और सीएम के हाउस के अंदर हुई है, आप सोचिए केजरीवाल जी महिला सम्मान की, महिला सुरक्षा की जिस तरीके की बातें करते हैं, उनकी खुद महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा और सांसद जो उनकी खुद की पार्टी की है, जब वही सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की आम बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल जी के साथ हाथापाई हुई है और आज केजरीवाल जी अपने उस पीए को बचाने के लिए उसको जगह जगह छुपाते, अरविंद केजरीवाल बचा रहे अपने पीए, बचा रहे बिल्कुल बचा, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए सीएम होते हुए केजरीवाल जी को उसको हाथ पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहिए था और केजरीवाल जी और संजय सिंह जी उसको बचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही, महिलाओं से पहले बात कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है भाई बचाया जा रहा है? बिल्कुल वो बचा रहा है, और ऐसा लग रहा है आपको विभव कुमार को बचा रहे हैं? बचा रहा है बिल्कुल, लग क्या रहा है सब देख रहे हैं उसको। हाँ। अगर उसको ये बचाने नहीं होता तो कम से कम उसको बंद करवाता। तो आपको क्या लग रहा है? हाँ जी बंद करवाता। आपको क्या लग रहा है? बंद करवाना चाहिए, जरूरी हाँ। करवाना चाहिए उसके, उस पर कार्रवाई भी करनी क्या चाहिए। ये मुद्दा देखिए अभी बस वोटिंग से, दिल्ली में जो वोटिंग होने वाली 8 दिन बचे हैं उसके पहले ये मार पिटाई का मुद्दा क्या बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है आपको चुनाव? बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और ये बनेगा भी आगे, इस पर हम लोग भी आवाज उठाएंगे इसके लिए। ठीक है, आप क्या बोलेंगे एक महिला होने के नाते? मैं क्या बोलूं? ठीक है, आप क्या बोलेंगे भाई, मुद्दा बहुत गर्मा रहा है। मुद्दा गर्म भैया, गर्माने वाली बात भी है, अगर उसके साथ मारपिटाई हुई है तो उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। और कार्रवाई निश्चित होनी। अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पीए को। हाँ, तो बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? लग नहीं रहा, ऐसा ही हो रहा है। हाँ। ऐसा ही है। क्या लग रहा है आपको, वाकई में ऐसा लग रहा है? एक सवाल प्रज्वल रेवन्ना के बारे में पूछ लीजिए, एक सवाल ब्रजभूषण के बारे में पूछ लीजिए जिन्होंने सिटिंग एमपी को जर्मनी भगा दिया। वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने, कितनी क्लिप्स आई मीडिया में उसके बावजूद कोई बयान नहीं निकलेगा किसी महिला से, पूछ लीजिए आप उनके बारे में, पहले पूछिए ना। हाँ। उनके बारे में पहले। लेकिन इसमें जो बयानबाजी अभी निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय मंत्री है उनकी तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी भाई बेशर्मी पर उतर आई है, बीजेपी का नाम ही जुमला पार्टी है। हाँ। आप क्या बोलेंगे, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे रही है, बचाया जा रहा है विभव कुमार? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने गलत किया उसको कानून सजा देगा, इन्विटेशन बैठ के उसके करो छानबीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये देखो ब्रजभूषण ने जो हमारे रेसलर हैं उनके साथ कितना रोन संसन किया, उनके साथ किया कितना गलत काम किया, उस टाइम मोदी जी कहाँ थे, अमित शाह कहाँ थे, उन्हें जब नजर नहीं आ रहा उन लोगों को, अब उनको ये नजर आ रहा है घर की बात है, जो बातें हुई हैं गलत किया तो उसको सजा मिलेगी। दिल्ली में आए चुनाव से पहले मारपिटाई का मामला गर्माना, क्या ये आपके खिलाफ जाएगा? कोई खिलाफ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बीजेपी भी कोई साफ नहीं है। हाँ। बीजेपी के भी राज में भी महिलाओं देख लो कितना जंतर मंतर बैठे। लेकिन एक बात बताइए भाई, सीएम आवास के अंदर मारपिटाई का ये मामला लगा है, आरोप लगे, ये गंभीर है या नहीं है? तो पुलिस जांच करे ना, मना कौन कर रहा है? अमित शाह के हाथ में खुद आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने FIR दर्ज करवाई है। FIR दर्ज कराई है तो उठाए उनको, कौन मना कर रहा है उनको? कोई नहीं उनको छोड़ने के लिए कह रहा, जो अगर गलत कह रहेगा तो भुगतेगा वो गलत। लेकिन भाई विभव कुमार का तो पता ही नहीं चल रहा ना। क्यों नहीं पता चल रहा, पुलिस इनकी अपनी है। हाँ। पुलिस इनकी अपनी FIR हो चुकी है। हाँ। केजरीवाल जी ने आश्वासन दिया कि हम कानूनी कार्यवाही के साथ चलेंगे। हाँ। और ब्रजभूषण के खिलाफ भी FIR हुई। हाँ। उनके बेटे को टिकट दे रहे हैं लोग। हाँ। क्यों दे रहे हैं बेटे को टिकट? हाँ। ये वहाँ क्यों नहीं जाते मणिपुर? हाँ। मणिपुर की महिलाओं के साथ क्यों नहीं झगड़ा खड़े हो रहे? हाँ। बीजेपी वाले का पूरा हाथ है, जिसकी 26,000 क्लिप पकड़ी गई है उसको टिकट दे रहे हैं, उसे वहाँ भेज रहे हैं बाहर, इनका इनका मुद्दा क्या है? ठीक है, आपको लग रहा है भाई वो बोल रहे हैं जानबूझकर मुद्दा बना जाए? नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं, अगर सीएम आवास पर अगर इस प्रकार की घटना होती है। हाँ। तो उसका मैसेज क्या जाएगा? हाँ। ये इससे बड़ा महिलाओं के साथ अन्याय नहीं हो सकता, और केजरीवाल को आज नहीं तो कल, देखिए इसका जो भी साथी इसके अपोज कुछ बोलना चाहता है, इसका किसी ना किसी रूप में उनको वो या तो पार्टी से बाहर निकालते हैं। स्वाति मालीवाल के साथ भी यही होने वाला है, जिस प्रकार
योगेंद्र के साथ हुआ, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर के साथ हुआ, जिस प्रकार से कुमार विश्वास के साथ हुआ, अगर कोई भी इनका मेंबर इस प्रकार की बातें करता है, और सबसे बड़े शर्म की बात है, पूरा आप पार्टी की डूब मर जाना चाहिए कि एक महिला का जो सांसद होते हुए उनके घर में इस प्रकार का उसके साथ अन्याय। लेकिन संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला कि भाई जो हुआ गलत हुआ, कार्रवाई की जाएगी, फिर इसको सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत? केजरीवाल जी इसको बचा रहे हैं, इनके सारे नेता ऐसे इसको बचा रहे हैं, इसको विभव कुमार का कल कानपुर में यूपी में देखा गया, इसकी इससे पहले राशन कार्ड के नाम पे महिलाओं से बदतमीजी हुई है, आपने देखा होगा, इनका विधायक जो सुनील कुमार के नाम भूल गया नाम उनका, पहले हर इनके चरित्र और चेहरा इनका ऐसा ही है सबका, आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा हकीकत है। ये अभी जो हमारे सोमनाथ भारती जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे पूछो, इन्होंने अपनी वाइफ को कुत्ते से कटवाया था, इनका तो चरित्र ही ऐसा है, एक का नहीं, सारे विधायक हो, एमपी हो, कोई भी हो, ये महिला विरोधी है, इनको तो इनके सारे के सारे आज यहाँ के विधायक, यही जहाँ आप खड़े हो, इन्हीं के विधायक कल जेल में जाने के लिए तैयार बैठा, कल 18 तारीख है, वो भी मर्डर के केस में, जो राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र बड़ी बात बोल रहे भैया, आम आदमी पार्टी के लोग महिला विरोधी है, क्या ये मुद्दा बनेगा, ये नुकसान देगा लोकसभा चुनाव में? कोई नुकसान देगा, बीजेपी क्या करती है, हम ये बोल रहे महिला विरोधी है, स्वाति मालीवाल का ताजा मामला है, सोमनाथ भारती सब नाम गिरा रहे, आप सिर्फ एक स्वाति मालीवाल को देख रहे हो, मैंने आपसे पूछा ना 26,000 जो क्लिप्स हैं उनका भी तो जवाब देना चाहिए ना इनको, सिर्फ स्वाति मालीवाल के मैटर में संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया है कि उनके साथ गलत हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना, कानूनी कार्रवाई जो होनी है वो होगी, है या ये सारे जज तो है नहीं, ये बताइए एक महिला होने के नाते चुनाव से 8 दिन पहले, आप देखिए मामला बहुत गर्मा रहा, आज सिर्फ 8 दिन बचे, क्या ये मुद्दा नुकसान पहुंचाएगा आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस गठबंधन को? देखिए आज दिल्ली की हर बहन बेटी रोज न्यूज में देख रही है, उस वीडियो को भी देख रही है जिस तरीके से हाथापाई हुई है कि अपने स्वाति मालीवाल जी को थप्पड़ पड़े हैं, और जिस तरीके से एक अपने सीएम का जो पीए है वो उनके साथ हाथापाई कर रहा है, और सीएम निवास के अंदर उन्हीं की पार्टी की जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की बहनें अपने भविष्य के बारे में बहुत अच्छे से सोच समझ के वोट करेंगी, जब उनकी सांसद सुरक्षित नहीं है सीएम हाउस के अंदर तो इन संगम विहार देवली विधानसभा की गलियों में यहाँ की बहन बेटियों को कैसे सुरक्षा देंगे सीएम साहब? भाई बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, कभी जब उनकी सांसद सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं का क्या होगा? बड़े शर्म की बात है, दिल्ली की राजधानी में दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री पहले उनके घर में मुख्यमंत्री आवास पे, सरकारी आवास पे एक मुख्य सचिव की पिटाई होती है, और आज वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि एक महिला की बेइज्जती, एक महिला की पिटाई करते हैं, इसे बड़ी शर्मसार बात और क्या हो सकती है? ठीक है, आप बताइए ये खिलाफ जाएगा क्या आम आदमी पार्टी के? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऑफिस में घर के अंदर इस तरह की घटना हुई है, वो भी महिला के साथ, तो फिर इससे तो मैसेज यही जाएगा समाज। एक बात बताइए, इससे क्या मैसेज जाता है जब अरविंद केजरीवाल उसी विभव कुमार जिन पर आरोप लगा है उनके साथ लखनऊ में नजर आते हैं, दूसरे नोटिस की बात राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कही जा रही है लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है? जो विभव कुमार को केजरीवाल जी साथ लेके घूम रहे हैं, मतलब उसको बचाने के लिए अपने साथ साथ ले रहे हैं, जिससे कि पुलिस उसे उठाने ले, पूरा प्रोटेक्शन केजरीवाल उसको दे रहा है, मतलब इतने शर्म की बात है। सो चुल्लू विभव कुमार उनके साथ नजर आते हैं तो आप दिल्ली की जनता क्या मैसेज जाता है, आप क्या समझते हैं इससे? इसे ये मैसेज जाता है कि केजरीवाल उसको बचा रहे हैं और महिला विरोधी है और महिलाओं के साथ कुछ भी कराएगा, मतलब गुंडागर्दी कराएगा, और दिल्ली की जनता मूक दर्शक देखती रहेगी। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल महिला विरोधी? देखिए बिल्कुल विरोधी है, जब वो अपने पीए को लेकर साथ घूम रहा, कहां गायब हो गया वो? उसको इन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस के अरेस्ट के उससे छिपाए हुए, शर्म आनी चाहिए पूरी आप पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और जितने वहां के एमपी एमएलए हैं, उनको बिल्कुल इसमें शर्म से डूब मरना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? जो ये कांड हुआ है केजरीवाल जी के घर पे, जो कांड हुआ है, ये वैभव कुमार छोटा मोटा आदमी नहीं है, वैभव कुमार एक आईएएस लेवल का आदमी है, उसने कैसे उसके पेट में लात मारी, उसको थप्पड़ मारा, पैर से मारा, ये बड़ी शर्म की बात है, केजरीवाल को डूब मरना चाहिए। लेकिन देखिए उन्हीं स्वाति मालीवाल की तरफ से जब कल एफआईआर दर्ज करवाई गई तो उनकी तरफ से एक और बात कही गई, भाई बीजेपी से वो दरख्वास्त करती नजर आई कि इस पर पॉलिटिसाइज ना करे, इसको सियासी मुद्दा ना बनाए। देखिए ये इतना बेशर्म आदमी है केजरीवाल, इससे गलत काम के अलावा दूसरा काम नहीं, महिलाओं की पिटाई, शराब के ठेके, गुंडागर्दी, टोटल बदमाशी करता है, इसको बहुत जल्दी फल जनता देगी, दिल्ली की जनता बहुत जल्दी देगी। क्या होगा दिल्ली में ये मुद्दा जब गर्मा रहा है, क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में वही होगा जो यहाँ की पब्लिक चाहेगी। क्या चाह रही है पब्लिक? पब्लिक चाह रही है विकास, चाह रही है डेवलपमेंट, चाह रही है ग्रोथ, चाह रही है ये चाह रही है। और रही बात, मैं एक चीज़ और बताऊँ लोगों को कि वो
क्लेम कर रहे हैं कि मारा है, पीटा है, कोई सबूत है? भैया आप स्वाति मालवाल ने खुद FIR दर्ज करवाई है, खुद FIR दर्ज करवाई है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर महिला विरोधी सरकार होती तो आप और जायजा ले ले, पूरी दिल्ली का जायजा ले ले। वो महिला के लिए क्या क्या किया केजरीवाल साहब ने, वो आपको सबके नजर के सामने है। अगर वो मारपीट हुई है, रियल में हुई है, भाई बीजेपी तो मुद्दा बना रही है एक सांसद के साथ सीएम के घर पर ये हो सकता है, तो वो क्या महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? अगर उन्होंने ये काम करवाया और किया है तो उनकी सजा होगी, मगर महिला विरोधी वो नहीं है, इसलिए क्या पूरी जनता दिल्ली का देख रही है इलेक्शन आ रहे हैं। क्या ये मुद्दा, क्या ये मुद्दा नुकसान नहीं पहुंचाएगा हमारी पार्टी को? आप एक बात बताइए, अगर ये सरकार अगर महिला विरोधी होती तो आज महिलाओं से जाके पूछो आप, जो बस में ट्रेवल करती हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री टिकट लगता है उनके लिए, ठीक है? और अभी हमारे सीएम साहब ने एक ऐलान किया था कि उनके खाते में 1,000 रुपये जो आएंगे पर मंथ आएंगे, ठीक है? तो ये महिलाओं के लिए तो हो रहा है, लेकिन जो स्वाति मालवाल के साथ हुआ है, जो खुद वो आरोप लगा रहे, उसको इनकार नहीं कर सकते। देखो इसके लिए पुलिस प्रशासन है, जांच होगी, संजय सिंह जी ने बोला है, इसकी ये जो गलत हुआ इसकी इसके लिए पुलिस प्रशासन है। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? नहीं देखिए, ये कौन सी बात है, अगर विकास की बात करते हैं तो मोदी जी के सामने अगर कोई गारंटी चलती है, मोदी के विकास की चलती है। स्वाति मालवाल के उसके आवास में महिलाओं के साथ इस प्रकार का होना, ये तो बिल्कुल कहीं भी भारतीय संस्कृति में इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई नहीं। वो बोल रहे हैं महिलाओं के लिए तो बहुत काम किए जा रहे केजरीवाल सरकार, जब ही तो महिलाओं को पीट रहे, ये अपने महिलाओं को अपने घर में बुला के पीट रहे, इनको थोड़ी भी शर्म नहीं है कि अपनी महिला अपनी सांसद को अपने घर में बुला के पीट रहे? आप यदि हमारे यहाँ आए हो तो हमारा फर्ज क्या बताती थी, देवो भवा, और वो पार्टी के सांसद है उसके बाद उनको पीट रहे? हाय हाय, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? देखिए जिस तरीके से अभी एक हमारे सपोर्टर है आम आदमी पार्टी के भाई कह रहे हैं महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, आप विश्वास करेंगे आज 2017 के बाद किसी 60 साल के बुजुर्ग की पेंशन नहीं मिली, जिनके लिए उनको सबसे पहला काम था। बहुत सारे लोग हैं जो उस पेंशन पे उनका इलाज डिपेंड करता था, उनकी दवाइयों का खर्चा चलता था, और आज वो चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 1,000 रुपये आपके अकाउंट में महिलाओं को, और भिखारी समझ रखा है क्या? दिल्ली की बहनें भिखारी है, आपके 1,000 रुपये में अपना कीमती वोट दे देंगी? तो ये समय आपको 25 तारीख को जो चुनाव है उस दिन दिल्ली की बहनें बताएंगी। और ये जो आपने स्वाति मालीवाल के साथ किया है, स्वाति मालीवाल की जगह दिल्ली की हर बहन अपने आप को देखती है, हर बहन अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, और केजरीवाल जी इसका खामियाजा आपको बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आधे से ज्यादा विधायकों के अंदर केस रजिस्टर्ड है, उसमें से 30% तो सिर्फ महिलाओं के साथ अत्याचार करने के नाम पे उनके विधायकों पे केस रजिस्टर्ड है, तो आज केजरीवाल जी अपने उस पीए को बचाते घूमते फिर रहे हैं। उनका सबसे पहला दायित्व बनता था दिल्ली को अपना, दिल्ली का मालिक अपने आप को कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, जो बोलता है दिल्ली की बेटी सुरक्षित नहीं है तेरे घर के अंदर, तू किस भाई बिहार पे कह रहा है? बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई दिल्ली की बेटी सुरक्षित नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? फिर और मुद्दों पर बात करें, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का श्रवण कुमार है, जो बड़े बूढ़ों को तीर्थ यात्रा करवाता है, महिला के लिए फ्री बस वो किराया करता है, इतनी सेवा, मेरे ख्याल में सेवा भाव जितनी है, सुरक्षा फ्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए फ्री बस की टिकट, नहीं चाहिए बिजली का बिल फ्री, हमें सुरक्षा चाहिए, दिल्ली की हर बहन बेटी को सुरक्षित चाहिए, दिल्ली की हर बहन बेटी को सुरक्षा चाहिए। एक एक बात बताइए, अभी जो रोज न्यूज सुरक्षा चाहिए, ठीक है सुन ले, अच्छा एक बात बताइए, दादागिरी का पता लगता नहीं लगता आपने मुद्दा उठाया, इनको मोदी, ठीक है मोदी साहब, ठीक है आपने सुरक्षा का मुद्दा उठाया, हर महीने जो फ्री राशन दे रहे वो क्या कर रहे हैं? मोदी साहब क्या कर रहे हैं, जो हर महीने फ्री राशन दे रहे वो भी तो फ्री है, वो भी तो फ्री है, जो अगर फ्री की बोल रहे हैं ये भीख की बात कर, वो भी तो एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं, आप भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता खड़े हैं मैं इनको धन्यवाद कहता हूं, इन्होंने देश की GDP बढ़ाने की बात कर रहे हैं, GDP से गैस डीजल और पेट्रोल ये खुद निगम पार्षद रह चुके हैं, आप क्या बोले फिर और ऐसे श्रवण कुमार हम की जरूरत नहीं है दिल्ली को, ऐसे श्रवण कुमार जो घर में महिलाओं को मारेंगे, ऐसे श्रवण कुमार की जरूरत
नहीं है, हमें ऐसे सरवन कुमार चाहिए जो माता पिता को ढो। ब्रिजभूषण से हमें सुरक्षा चाहिए, ये पहले ब्रिजभूषण का बंद करा, उसको टिकट दे रहे हैं। एक और बात बताइए, एक सेकेंड, एक और बड़ा अहम सवाल है, मेरी बात सुनिए ना, अरे मेरी बात सुन लीजिए, इस बार जो गठबंधन है, इस बार क्या लग रहा है 25 मई को क्या होने वाला है, इस बार क्या लग रहा है 25 मई को क्या होगा? 25 मई को बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। 25 मई को क्या होगा? एक सेकंड, नारेबाजी बंद करिए, क्या होगा? देखे सम्मान से बढ़ के किसी के जीवन में 25 मई को इस बार क्या होने वाला है? 25 मई को देखे 400 पार इनकी सबकी जमानतें जब्त होंगी, इस बार पूरे आप पार्टी के जितने भी आप बताइए गठबंधन कुछ काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा गठबंधन, बिल्कुल काम करेगा। होता क्या है कि देखो अभी देश में क्या है, तानाशाही चल रही है, जब भी कोई तानाशाही है पूरी पब्लिक उसके खिलाफ होती है, हर पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हुई है, ये गठबंधन बिल्कुल काम करेगा। और 25 मई बीजेपी गई, क्या लग रहा है किसको कितनी सीटें? ये गठबंधन, केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी, केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि समर्थन लूंगा नहीं दूंगा नहीं, बच्चे कहाँ चले गए, आप बच्चे कहाँ चले गए? महबूबा, बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाई, क्यों बनाई? उन्होंने भी तो कहा था जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो क्या गठबंधन काम करेगा इस बार? बिल्कुल काम करेगा। क्या लग, कितनी सीटें गठबंधन को आएगी, क्या लग रहा है? मोदी गई, क्या बोल रहे हैं 200? आप एक बुजुर्ग हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस बार सियासी गठबंधन काम करेगा? अब कहे एक पीठी 50 पीठ टंगे का गठबंधन ही वो काम करेगा। क्या बोल रहे हैं आप? सातों सीट आएंगी गठबंधन की, यहाँ से सही राम जी 2 लाख प्लस जा रहे हैं यहाँ से जनता के लेके लेके। महिला सुरक्षा स्वाति मालवाल का जो मुद्दा बना, इसका नुकसान होगा या नहीं होगा? नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप लोगों देखा होगा ब्रिजभूषण जी ने उसके लड़के को टिकट मिली है, ठीक है ना? आप लोगों ने देखा होगा अपने वहाँ प्रगति मैदान, वहाँ पे क्या नाम है, वहाँ अपने रेसो उठा उठा के पटका उन लोगों को, पुलिस प्रशासन उनको मारा। आप जो केजरीवाल पहले 350 पेपर दिखा था, 350 केस है इनके ऊपर, भ्रष्टाचारी लालू को, भ्रष्टाचारी शीला को, उनके साथ सरकार बनाओगे क्या? लेकिन विपक्ष, एक सेकेंड, विपक्ष ये बोल रहा है भाई जो इस बार एनडीए वो 140 क्रॉस नहीं करेगा, कोई 150 बोल रहा है। सब जानती है, हम भूले नहीं है, जो पब्लिक है सब जानती है। क्या बोल रहा है, क्या जानती है? ये पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक क्या देख रही है, क्या जान रही है? अब की बार मोदी सरकार, आप क्या बोल रही है? देखिए, ये आपको 4 जुलाई के दिन जब मत पेटी खुलेगी, जब रिजल्ट आएगा, आपको दिखाई दे देगा दिल्ली की जनता क्या चाहती है। केजरीवाल के ठीक है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार 25 मई को दिल्ली की जनता बोल रही क्या चाहती है, इस बार क्या है? दिल्ली की जनता इस केजरीवाल को ऐसा सबक सिखाएगी, ऐसा सबक सिखाएगी, इसको नानी याद आएगी अपनी। और क्योंकि जो गठबंधन बोल रहा है सातों की सातों सीटें इस बार गठबंधन, कोई गठबंधन नहीं है इनका, सब अपने अपने राग अलाप रहे, कोई गठबंधन नहीं। ठीक है, ठीक है, तो मुद्दा बहुत गर्मा है, आप कुछ बोलना चाहते? फिर ब्रेक ले, बोलना चाहूंगा। देखो ये सामने वालों को तो बोलने नहीं देते। अरे मुद्दा बोलिए, क्या मैं मुद्दा बताऊं? इन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, अभी रेवन्ना के ऊपर आरोप लगे, इन्हीं की पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, 2000 महिलाओं के साथ कैसेट बरामद हुए। तो कुछ लोग प्रज्वल रेवन्ना का नाम गिरा रहे हैं, वहीं दिल्ली में स्वाति मालवाल का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, देश भर में इसकी चर्चा।